हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई गेव यू टू क्वेश्चंस एज ए होमवर्क एंड यू डिड वेल। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नाउ इन क्वेश्चनों को अब अपन ट्राई करते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, देखो फाइन। इसमें बच्चों आपने कितने कार्बन लिए मैक्सिमम? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बच्चों टोटल मिला के कार्बन इतने अपने पास। अगर आप ये लेते हो तो कितने कार्बन आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये लेते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इट मीन्स अपन को डबल बॉन्ड तो लेना ही है, ट्रिपल बॉन्ड लेना ही है चेन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी आए तो अच्छा रहेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा बच्चों? इथिलीन, है ना, एल्किलीन। या फिर इसका नेम और बढ़िया लिखें तो क्या लिखोगे? ईथ इन वाइल। पहला वाला कॉमन नेम है वो भी चलता है, बेटर नेम ये है उसका। इसका नाम मिथाइल है ही, नंबरिंग कहाँ से करोगे सर? अगर मान लो मैं बोलता कि डबल बॉन्ड इस साइड से करता तो 1 नंबर मिलता, इस साइड से करता तो भी 1 मिलता। कोशिश करो कि सब्स्टिट्यूएंट पास आए तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 पे कोई है ही नहीं, ऐसे करके। इज इट क्लियर? ओके, चलो 4 के ऊपर इथिनील लगा हुआ है, 3 पर मिथाइल लिखा हुआ है, पहले कौन आएगा? 4 वाला। थ्री मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसमें? नंबर ऑफ कार्बन है 7। डबल बॉन्ड कहाँ के पे है? 1 और 6 पर। हेप्टा कर दो इसे, चलेगा? इसमें बोलो सब आ गए? ये आ सकते हैं, सब तो को लेना ही है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया। तो देखो अनसेचुरेशन इधर से चलता तो 1 नंबर पे, इधर से चलता तो 1 नंबर पे, इसका ख्याल रखो। फिर अब 1, 2, 3, 4, इधर से 4 पे आता अनसेचुरेशन, 1, 2, 3 पे आ जाता तो वाले इस साइड से नंबरिंग करेंगे अपन, है ना। बताओ ये 5 पे क्या लिखा हुआ है? 5 पे क्या? तो कनेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन से कार्बन को 1 दो, उसके बाद में प्रिंसिपल इंटरनली बनाओ तो इसमें बोलेंगे 2 कार्बन आ सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 5 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, है ना। 1 मिथाइल 2 कार्बन के लिए 8, और ये सब्सटीट्यूएंट बन चुका है तो इथाइल। ओवरऑल कितने पे लगा हुआ? 5 पे। बी एज लाइक ए कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 7। 7 के लिए हैप्ट लिख दिया, डबल बॉन्ड 2 है 1 और 3 पर, 1, 3 डाई इन। आइन कहाँ पे है बच्चों? आइन है 6 पर। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे? और इस वाई की वजह से इस ई को हटा दिया, डाई इन की वजह से इस हेप्टा कर दिया। ओके, नाउ स्टार्ट द लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड बाहर रह गया उसका आपने सीख लिया, ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह जाता है तो भी ना कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कि मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, एक बच्चों ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, एक मान लो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, आप तीनों ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं ले सकते ना कैसे भी करके, तो मैं क्या करूँगा? तो मान लो ये मैंने एक चेन बनाई, या फिर मैं ये चेन बनाता, कोई भी बना लो, तो कनेक्टेड ये मेरी पीसी से होगी, तो पीसी से होगी तो बेस बात है, ये मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन का कार्बन है। इसके साथ तो ट्रिपल बॉन्ड कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता डायरेक्ट, डबल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 बॉन्ड तो ही हो गए, एक इधर, टोटल 5 बॉन्ड हो गए, और कार्बन जो होता है बच्चों 5 बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इट मीन्स इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह सकते हैं। रूल तो वही है बच्चों, कोई नया नहीं है। कनेक्टेड कार्बन को 1 दो 2 दो, आगे चलते जाओ। ओके, नंबर ऑफ कार्बन के लिए एल का आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई आता है, और अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो ई हटाओ, ओ आई एल लगा दो। दिस इज नॉन एज एल्क आइन एल, है ना। तो जैसे इसका नेम लिखना हो तो बोलेंगे 2 कार्बन है, ए था गया, ओ आई एन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ई हटाओ ओ आई एल लगा दो, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। अब इधर से नंबरिंग करो, चाहे इधर से हो तो सेम ही है, 1, 2, 3, 4, 5। 3
थ्री पर क्या लिखोगे? तो बोलेंगे थ्री एथ आइन आइल। और फाइव कार्बन के लिए पेंट, और 1.4 डाई आइन, डाई आइन की वजह से पेंटा कर दो चलेगा। ऐसे नाम लिखना है, मतलब जैसे देखो मान लो एक डबल बॉन्ड है इधर, एक मान लो ये है, इसको कौन करके बताएगा भाई? इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने कार्बन है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लो तो देखो ये आए इधर, इतने तक पहुंच गए अपन। अब इस कार्बन पे पहुंच गए आप, तो अब आपके पास दो चॉइस है। इधर जाओगे तो दो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आएगा, और इधर आओगे तो दो कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। किसको छोड़ू, किसको चेन में लू, काफी कंफ्यूजन है। तो बोलेंगे कोई भी आपके पास ऐसा राय है, कोई ऐसा आपके पास एडवाइस है कि सर ऐसा करते हैं तो अपन ऐसा करते हैं? आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है ना भाई, या तो डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा चेन में, या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि सर ये ले लो चाहे ये ले लो चलेगा, क्योंकि ऐसा अगर आपने किया तो इसका नेम दो हो जाएंगे आईयूपीसी, और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसके दो आईयूपीसी नेम हो पाए। इज इट क्लियर? तो इस केस में अपन क्या करते थे, बोलेंगे जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में लड़ाई चल रही हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं हो, ओनली एंड ओनली दैट केस आप हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं, है ना, चाहे वो नंबरिंग हो चाहे वो और कोई काम हो। ऐसे तो ये ट्रिपल बॉन्ड बच्चों बाहर रह जाएगा। और नंबरिंग किधर से करोगे, तो बोलेंगे नंबरिंग अपन करेंगे जैसे इधर से आता तो 1 पे ही डबल बॉन्ड, इधर से आता तो भी 1 पे ही, और डबल बॉन्ड का जब काम हो गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट है अपने आप में, तो इसका ख्याल रखता 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो बोले 3 पर क्या है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 पर क्या नेम, इसका नेम क्या लिखोगे बच्चों? दो कार्बन बाहर रह गए, एथ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह गया, वाई एन आ गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, वाई एन लिख दिया। देन नंबर ऑफ कार्बन 6 लिख दिया, डबल बॉन्ड है अपने 1.5, दो डबल बॉन्ड के लिए डाइन लिख दिया, डाइन की वजह से हेक्सा कर दिया, है ना, इस टाइप से आपने नेम लिखा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चलो शुरू हो जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक पहुंच गया, एक डबल बॉन्ड आया, ये तो बाहर रह गया है ना, और इसका तो मुझे नेम भी पता है, मिथिलेडी या फिर मिथिलीन। ओके अब यहां पे पहुंच गया तो फिर वो कंफ्यूजन होगी ना कि दो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को लूं या फिर दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को लूं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो बोले ये वाला अपने लिए एक क्या हो गई, चेन हो गई ये, है ना। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। चलो नंबरिंग किधर से करें, 1 डबल बॉन्ड मिला, इधर से आता तो भी 1 पे। अब आप इसे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट मत करो, अब ये सिंपल है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम अपने पास है एथ वाई एन वाई एल, और इसका नाम है मिथिलीडीन या फिर सिंपल मिथिलीन, और इसका नाम है सर मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इज इट क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूएंट है सिंपल, बस इनको आप उतनी ही इज्जत दो जितने आप सिंपल ब्रोमो क्लोरो को आप देते हो ना, इनको कोई ज्यादा आप मान सम्मान मत दो, क्योंकि अब ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड चेन में नहीं है तो ये आउटसाइड है ये। इज इट क्लियर? जैसे देखो आपको डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाए, है ना, प्रायोरिटी आपने डेफिनेटली ज्यादा दी, बट इस साइड से भी 1 मिला, इस साइड से भी 1 मिला, देन गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट। 1 पे कोई नहीं है तो बोले इधर भी नहीं है, तो 2 पे कोई नहीं है तो इस साइड भी नहीं है, 3 पर इधर कुछ मिला आपको, ओके तो 3 पर आपको इधर भी कुछ मिला, इसका मतलब क्या अभी आप अल्फाबेट देख लोगे या फिर और कुछ सोचोगे? तो बोले अभी एक और सब्स्टिट्यूएंट है सर, इसको मिनिमम देने की कोशिश करो, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, इसको 4 मिलेगा। अगर आप लोकेट सेट रूल की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली इधर 4 आएगा, और इस साइड से करेंगे तो 5 आएगा। 4 इज लेस देन 5, और मिनिमम लोकेट सेट रूल फॉलो करना होता है अपन को, 4, 5, 6, 7, 8। मिथाइल मिथिलीन इथिली, इथाइनाइल में पहले कौन आएगा? ई वाला पहले आएगा, 6। ओके, उसके बाद में इस दोनों में कौन पहले आएगा? बोलेंगे इसमें सर मिथाइल है और इसमें सर मिथिलीन आगे हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली डिक्शनरी में आप डिस्कवर करने जाओगे तो इसको आपको ये पहले मिलेगा, ये है ना, सर्च करने जाओगे तो 3-methyl-4-methylene, नंबर ऑफ कार्बन 8, डबल बॉन्ड 1.7, डाइईन, और 4-diene वी राइट ऑक्टा, है ना, वी राइट ऑक्टा। इज इट क्लियर? अगर मान लो अब आपके सामने कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड, एल्कीन से रिलेटेड, एल्काइन से रिलेटेड, इस टाइप के कोई एग्जांपल आएंगे तो आई थिंक आप कर लोगे ना, नो प्रॉब्लम। ओके, अब फाइनली अपने किसको अब इंक्लूड नहीं किया? फंक्शनल ग्रुप का, है ना। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप हो तो उस केस में आप क्या करोगे? और ये भी देखना पड़ेगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप कल को मान लो दो या दो से ज्यादा हुए तो उस केस में क्या करेंगे। अभी अपन बहुत ही सिंपल वाले, लेट सपोज मान लो इंडिविजुअल एक एक फंक्शनल ग्रुप होता, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप होता, तो अपन क्या करते, है ना। ओके, हेडिंग लिखो, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर पूरा लिखेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था कैसे करना होता है, उसके नेम तो आपको याद होना ही चाहिए ना, देख के पता लग जाना चाहिए कि सर ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसमें भी रूल्स होने चाहिए, बेसिक रूल्स। वो रूल ये है बच्चों, पहला रूल तो ये है भी कुछ फंक्शनल ग्रुप अपने पास ऐसे जिनमें इटसेल्फ खुद में कार्बन होता है और कुछ ऐसे जिनमें खुद में कार्बन नहीं होता है। इसका मतलब हमेशा आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी, जिनके अंदर कार्बन है कि वो कार्बन आप चेन में लो, या फिर कई बार वो कार्बन चेन के अंदर ना आए तो वो बाहर रह जाएगा। इसी वजह से उसके सफिक्स जो है सेकेंडरी सफिक्स हमेशा दो होते हैं, किन में? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनमें इटसेल्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें कार्बन है, इट मींस उसको कभी कार्बन चेन में लेंगे तो अपन सिंपल ओइक एसिड रिप्रेजेंट करेंगे, पर अगर कार्बन बाहर रह जाएगा इट मींस उसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ओके, देखो रूल नंबर वन ये है, आपको इस टाइप से प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है कि वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो आना ही चाहिए। जैसे पहले अपन ने क्या बोला था जब सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, बाद में पढ़े जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बोला वो आने चाहिए, अब फंक्शनल ग्रुप आ गए हायर प्रायोरिटी वाले आ गए हैं तो बोल ये आने ही चाहिए चाहे वो कुछ भी रह जाए, है ना। तो नंबर वन, सेलेक्ट द पीसीसी इन सच ए वे In such a way, the carbon of functional group should be included in PCC if functional group does not have any carbon, then which carbon is included
इन पीसीसी व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ एफजी। व्हाट इज द रूल? ये देखो क्या लिखा है मैंने, इसको एग्जांपल से समझो। ये ऐसे बोलना चाहता बच्चों, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, नेम है इस कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है। आपको अगर मैं चेन सेलेक्ट करने के लिए बोलूं तो ये चेन में आना चाहिए कार्बन, आपको इस टाइप की चेन सेलेक्ट करनी है। क्लियर है? जैसे मान लो ऐसा कुछ भी लिखा मैंने ऐसे करके, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ एस्टर जैसा मैंने फंक्शनल ग्रुप बनाया, ये एस्टर रहा बच्चों। तो मैं क्या बोलूँगा कि एस्टर के अंदर कार्बन है, तो ये कार्बन तो चेन में आना ही चाहिए, आपको इस टाइप की कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आगे आपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कार्बन ले लो, जैसे इधर भी दो है इधर भी दो है, कल को इधर तीन होते तो इधर चला जाता, इधर डबल बॉन्ड होता तो इधर चला जाता, इस टाइप से है ना। बस एक नया रूल क्या आ गया, आपको कार्बन को इंक्लूड करना है अपनी पीसीसी में जब तक हो सके। जैसे देखो मान लो ये ऐसा होता, ये कौन है बच्चों? कीटोन है ये ना, तो कीटोन है तो ये कार्बन रहा कीटोन का, ये आपको चेन में लेना है बस ऐसे करके, तो ये चेन में ले लिया। बाकी चेन को बड़ी से बड़ी करो, अपने रूल्स बेसिक रूल्स लगाओ, लेकिन कुछ अपने पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें इटसेल्फ कार्बन नहीं होता, तो बोले वो कौन है? तो जैसे बच्चों एल्कोहल में कार्बन नहीं होता, एमाइंस में कार्बन नहीं होता, सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं होता, आइसोसाइनाइड में कार्बन नहीं होता, क्योंकि आइसोसाइनाइड जो होता है वो नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट होता है, तो कार्बन इस साइड होता है लेकिन वो उसका कोई काम नहीं है, है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है इनमें खुद में कार्बन नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो सी एच थ्री सी एच OH CH2 CH3, अगर मान लो बोले इसमें एल्कोल है, तो एल्कोल है तो इसमें इटसेल्फ कोई कार्बन नहीं है, तो जिसके साथ ये कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन आपका चेन में आना चाहिए। इस टाइप की चेन सेलेक्ट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लो, जो भी लो, ये रहा। मेरी बात सुनाई? जैसे मान लो ऐसे रिंग लगी हुई है ना, ये OH करके लिखा हुआ है, ये ऐसे करके बाद में क्या करोगे, तो बोले इसमें खुद में तो कार्बन है ही नहीं, तो ये ऐसे चेन, ये अपनी चेन बन जाएगी, ऐसे है ना। जैसे सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है इधर, तो आप ये नहीं चेन सेलेक्ट कर सकते ऐसे, गलत। क्यों? ये कार्बन तो आना चाहिए, भी सल्फोनिक एसिड इटसेल्फ में कार्बन नहीं है, लेकिन ये तो कार्बन चेन में आना ही चाहिए, तो ऐसी कोई चेन सेलेक्ट करो, तो बोले ये करो फिर, तो ये वाली ऐसे सही, इस टाइप से करना है बच्चों, है ना। पहला रूल समझ में आया। अब जब नंबरिंग की बात करनी आएगी, तो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपको मैंने एक बार पहले डिस्कस किया था, कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और देन फाइनली सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी नंबर आता है। ओके, तो अपना रूल नंबर सेकेंड ये हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर गिविंग नंबरिंग। रूल नंबर सेकेंड बच्चों ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों हमेशा फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है, देन अनसेचुरेशन की, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, देन फाइनली सब्स्टिट्यूएंट की। ये अपने पास एक ऑर्डर है, वो हमेशा याद रखना, जब भी नंबरिंग करो तो इस बात का ख्याल रखना। जैसे आपको इसकी नंबरिंग करनी है, तो बोले कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो हमेशा आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी ज़्यादा होने का मतलब उसे लिस्ट से लिस्ट नंबरिंग करते हैं अपन, 1 2 3 ऐसे। बोले इसकी नंबरिंग करनी है, तो ये रहा कार्बन 1 2 3 4 5। जैसे इसकी नंबरिंग करनी है, ये कीटोन रहा, इसकी लिस्ट नंबरिंग करनी है, तो बोले इधर से अगर मैं आता ना तो उसे डबल बॉन्ड 1 पे आता, लेकिन मैं पहले डबल बॉन्ड की बात नहीं करके पहले मैं बोलूँ इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसका ख्याल रखूंगा, इस कार्बन का, इस कार्बन को आपको मिनिमम से मिनिमम देना है ना। तो इधर से आता तो 1 2, इधर से आता तो 1 2 3 4, तो डेफिनेटली यहीं से नंबरिंग की जाएगी।
अगर इससे ना हो पाता देन गो फॉर अनसेचुरेशन, उनसे ना हो पाए देन गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नंबरिंग करो। तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसे वन दे दो, कि खुद में अगर कोई कार्बन नहीं है तो उसकी हमेशा प्रायोरिटी बढ़ जाती है जिसके साथ वो अटैच होगा, तो वन दे दिया। अब बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट को दे दो आपको थ्री पे, जैसे इसका, तो बोले कहाँ से नंबरिंग करें, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसी से स्टार्ट करो ना, वन टू थ्री फोर फाइव। जैसे इसको बताओ इधर से करूँ या इस साइड से, तो बोले एल्कोहल तो सेकंड पे लगा हुआ है, तो बोले इधर से इसको मिनिमम देना होगा आपको फोर नंबर पे। इस टाइप से बच्चों नंबरिंग करनी होती है, इसी का मतलब होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। बाकी तो वही रूल है बस, सेम ही, नया कुछ भी नहीं आएगा इसमें। क्लियर? रूल नंबर थ्री वो आपको पहले पता है भी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सबसे पहले नेम किसका लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। क्या दो चीज़ें चाहिए अपन को, एक तो उसका नाम, एक नंबरिंग करने के बाद में उसकी पोजीशन। उसके बाद में क्या होना चाहिए, अगर वो रिंग है तो साइक्लो, और अगर रिंग नहीं है मान लो ओपन चेन टाइप है, अगर मान लो साइक्लो नहीं है तो ओपन चेन है तो रहने देना, ये नहीं आएगा इन केस ऑफ ओपन चेन, रिंग है तो साइक्लो आ जाएगा, है ना। प्लस रूट वर्ड, ये क्या बताएगा अपन को, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। बाद में बॉन्ड कैसा है भाई, नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड। वो तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो ई ना जाएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आई ना जाएगा। फाइनली अलग अलग टाइप के अपने पास फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनके नेम आते जाएंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स, और नाम बदलते रहेंगे, रूल्स वही रहने और कुछ चेंज नहीं होंगे। अपने पास गिने चुने 15-16 जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उनको इंडिविजुअल अपन स्टडी करते हैं, और एक के ऊपर अगर आप वर्क कर लोगे ना तो बाकी तो सब एक जैसे ही तो है, बस लास्ट में नाम ही तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होना, रूल्स वूल्स चेंज नहीं होने, बाकी सब एक जैसे है ना। चलो देखो, जैसे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे आप पहचानोगे, क्या देखोगे उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, तो बोलेंगे ये ग्रुप लिखा हुआ रहना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या तो ऐसे लिखा रहना चाहिए या फिर सी ओ ओ एच, बोथ आर सेम, दिस वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों इसका नेम क्या है, इसका ये किस नेम से जाना जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट क्लियर? ओके, अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा तो लास्ट में कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पे वो क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स की जगह अपन नेम लिखते हैं उसका। इसमें बच्चों कार्बन है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें कार्बन होता है ना उसके साथ हमेशा दो नाम आने वाले होते हैं, एक तो वो जब कार्बन इंक्लूड हो जाए, तो जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है तो उसका नाम होता है बच्चों ओइक एसिड, है ना। वेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन ए प्रिंसिपल कार्बन चेन इफ राइट देन यू कैन, आप लिख सकते हो इस बात को, ओइक एसिड कब आएगा, जब आप उस कार्बन को चेन में ले लो, ये वाला चेन में आ जाए, देन उस केस में क्या आएगा, ओइक एसिड। अगर मान लो कार्बन बाहर रह गया तो नेम तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो उसका नेम बच्चों सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ये बात, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दिलाता हूँ, क्लियर हो गई बात। चलो इसका नेम बोलो CH3, पहले बहुत ही चलो छोटे छोटे ही चलते हैं,
चलो ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप रहा, ओनली वन कार्बन और कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, छोड़ो, नेचर इसका है नहीं, छोड़ो। एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ। फॉर ए सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? एन। बॉन्ड का नॉलेज तो बताओगे ना, बॉन्ड कैसा है। देन फाइनली क्या आएगा? ओइक एसिड आएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने तो कार्बन कंसिडर किया है चेन में, तो ओइक एसिड। और एन का ई, इन का ई, आइन का ई हटा दिया जाएगा जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट किससे हो? ओ से, ए से, ई से, वाई से, ओ से, यू से। तो ओ की वजह से हटा के और यहाँ पे क्या लिख दिया? ओइक एसिड। तो दिस इज नोन एज ए मिथेनोइक एसिड। चलो इसका बोलो, टू कार्बन आ जाएंगे इसमें। ए था गया सिंगल बॉन्ड के लिए, एन आ गया, ओइक एसिड लिख दिया, इथेनोइक एसिड। सेम केस में तो तीन कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो रही बात? इसका नेम बोलो। तो अब नंबरिंग कैसे करोगे? ये प्रायोरिटी इसकी ज्यादा, वन टू थ्री। वन सब्सटिट्यूएंट इज प्रेजेंट, देन सबसे पहले सब्सटिट्यूएंट का नेम क्लोरो, टू क्लोरो। कोई इसमें रिंग नहीं है तो कोई नेचर नहीं है। रूट वर्ड में कितने कार्बन? थ्री कार्बन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा और एसिड के लिए प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। आगे करें, चलो बच्चों इनके नेम लिखते हैं ना। ये कार्बन तो चेन में आना ही चाहिए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, मैक्सिमम कार्बन लिए। नंबरिंग करनी है तो ये तो बहुत इजी है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करो, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्या ये बात सही है? चलो इसे बताओ। तो बोले ये कार्बन तो सर चेन में आना ही चाहिए, बाद में यहाँ के रुक गया। अब मेरे दिमाग में इधर जाऊंगा तो कार्बन आएंगे, इधर जाऊंगा तो डबल बॉन्ड आएगा। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? तो बोले डबल बॉन्ड की। अनसेचुरेशन को चेन में लेना होता है ना, ऐसे करके। इसमें क्या करूँ? तो सर ये कार्बन इस बार नहीं आ पाएगा, क्योंकि तो रिंग अगर अपनी पीसीसी है तो ये कार्बन तो नहीं आएगा। तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। ये लेट सपोज दिस वन इज पीसीसी। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट करूँ? इसका ख्याल रखूंगा, इसका मतलब ये तो ऐसे मिनिमम नंबर दो है ना, प्रायोरिटी ज्यादा दो। वन दे दिया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, इधर से आया तो टू पे ब्रोमो आएगा, इधर से आया तो टू पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। कहाँ जाना चाहोगे? तो फंक्शनल ग्रुप के बाद में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? तो बोलेंगे अनसेचुरेशन की, तो बाद में मैं अनसेचुरेशन का ख्याल रखूंगा। क्लियर है? ओके चलो, ये मेरी पीसीसी इसी को बन दिया। अब बोलो किधर जाऊं? तो इधर जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, इधर आओगे तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। चलो इसमें बोलो कौन सी पीसीसी होगी मेरी? तो सर ये वाली रिंग, बिकॉज भाई इस रिंग के साथ अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसको बंद दूंगा और ये जो भी इसका नेम होगा वो टू नंबर पे माना जाएगा। जैसे मान लो ये अपने लिए पीसीसी हो गई, इसमें डबल बॉन्ड था लेकिन क्या करें, इसमें अपने पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसको बंद दूंगा। क्यों? क्या फंक्शनल ग्रुप पे हायर प्रायोरिटी देन टू और ए थ्री। इसका जो भी नेम होगा थ्री पर लिखा हुआ माना जाएगा।
अब यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो बोले इसमें दो है तो दोनों को लेना पड़ेगा, है ना। चाहे डबल बॉन्ड बाहर रहे तो रहे, ना आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। ये आपने चेन सेलेक्ट कर दी, है ना। ओके, नंबरिंग करनी हो तो बोलो, इसको अगर मैं 1 देता तो 1 2 3 4 5, इसको 5 मिलता, इसको देता तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब लास्ट में तो 1.5 डाइओइक एसिड आना ही है। तो ट्राई करो अब, और तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास आए तो है ही नहीं, ट्राई करो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ही पास आ जाए, कि लास्ट में प्रायोरिटी तो उसकी ज़्यादा है ही, है ना भाई। पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, इसका मतलब है पहले उनका ख्याल रखा, तो लास्ट में पता चला तो 1.5 डाई ओइक एसिड आएगा सर, इससे और कम आप नहीं कर सकते। देन गो फॉर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं कहलाएगा, इट आउटसाइड दी चेन, इट मीन्स दिस विल बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आगे जाओ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 1 2 3 4 5 शुरू जाओ, नेम लिखो। 4 पैक में लिखा हुआ है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, कोई कंपाउंड का नेचर नहीं, रूट वर्ड में 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। बॉन्ड की नॉलेज दो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे इन आ गया। 1 पे क्या लिखोगे बच्चों, कार्बन आया है तो ओइक एसिड, और मैंने आपको क्या बताया, 1 ना लिखो तो भी चलेगा, ओ की वजह से इस ई को हटा दिया और सिंपल क्या लिख दिया, इनोइक एसिड। और अगर आप यहाँ पे इन 1 ओइक एसिड लिखते हो तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। देखो 1 2 और 3, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-इथाइल, 2-इथाइल को नेचर है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप, और डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 पे इन, बॉन्ड किनोलेज के बाद में लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पे ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, और ये 1 ना लगाओ तो चलेगा, ओ की वजह से इस ई को हटा देंगे, ठीक बात है। इसका नेम बोलो, 6 ब्रोमो, कंपाउंड का नेचर इस बार कैसा, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, बॉन्ड की नॉलेज दो, 2 पे क्या लिखा हुआ है इन, ओके 1 पे क्या लिखा हुआ बच्चों इस बार, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ कार्बन इज नॉट काउंटेड इन पीसीसी इन दैट केस वी यूज ए सेकेंडरी सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ क्या इस सी की वजह से इस ई को हटा दूंगा, नहीं, ए ई वाई ओ यू ओनली, ओ इससे स्टार्ट होना चाहिए था, ये सिंपल लिख दिया। चलिए इसका नेम बोलो, 4 नाइट्रो, कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में 6, 2 पे क्या लिखा हुआ है इन, 1 पे क्या लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके। चलो 9 पे बोलो, ये कौन है बच्चों, इसका नेम क्या लिखोगे आप, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये है ना, साइक्लोप्रोपेन था बट स्टिल बिहेव्स लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स प्रोपेन, एल केन नहीं बोल के एल्काइल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, तो बोलेंगे 2-साइक्लोप्रोपाइल इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन इस कंपाउंड का नेचर है खुद का कैसा, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 5 रिंग में, तो पेंट। बॉन्ड कैसा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड होता है ना तो जनरली बच्चों को याद आ जाता है कि इन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखना है, लेकिन सिंगल होता है तो याद नहीं आता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिंगल है तो भी याद रखना बच्चों, एन तो आएगा ना, तो बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आएगा, और एन के साथ कभी नंबरिंग नहीं लिखी जाएगी। फाइनली क्या आएगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी के लिए लिख लोगे तो भी चलेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है बच्चों, कनेक्टेड कार्बन को 1 2 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका नेम कैसे लिखोगे, 3 पर कौन लिखा हुआ है, इंटरनली नंबरिंग कर दिया आपने, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, साइक्लो, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन 6, बाद में 2, बाद में इन होना चाहिए था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो इन आइल। ये ओवरऑल कहाँ लिखा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पे लिखा हुआ है। अब इसकी बात, कंपाउंड का नेचर कैसा है इसका, साइक्लो, तो इसके आगे लिख दूंगा बच्चों, यहां लिख देता हूं ना, इसके आगे ना यहां लिख देना ऐसे, देन साइक्लो, उसके बाद में कंपाउंड में कितने कार्बन, 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
वन पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा नेम क्या होगा इसका, थ्री साइक्लोहेक्स टू इनाइल साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बोलो टू पे कौन है बच्चों, ये एल्कीनील है ना, टू कार्बन के लिए इथ इन वाई एल याद आ गया। ओके, फाइव कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1.5 डाई ओइक एसिड। डाई तो सिर्फ डी, डाई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो है, ओ की वजह से इसे इक हटा दो, डाइकोइक एसिड है ना। ऐसे नेम लिखने में तुम नोट डाउन करो इसको सही से। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया ही है ना, लेक्चर नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखने आने लग गए है ना, और वो भी अपने अभी एक कवर किया है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अपन इतना वर्क इसलिए कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो उसके बाद में तो करना ही क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह दूसरा आता रहेगा, बाकी नेम लिखने का तरीका तो वही रहेगा है ना, इस टाइप से। ओके बच्चों, बाकी अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।